यो गाइस, स्वागत है आपके इंडियन बुक ट्यूबिंग चैनल एन एम बुक्स पे, और मेरा नाम है नमेश मित्तल। सो जो आज की वीडियो होने वाली है, वो वीडियो होने वाली कि मैंने 2021 में कौन सी बुक पढ़ी, यानी कि 2021 का फाइनल रैपअप। तो तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, 2021 में जो मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी, उस बुक का नाम है हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन, या फिर हैरी पॉटर पार्ट वन। तो ये बुक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मैंने हैरी पॉटर की मूवी भी देखी हुई थी, लेकिन मूवी में बहुत ही कम स्टोरी बताई गई है। जब मैंने बुक पढ़ी, मेरे को ऐसा लगा कि जो मूवी है वो इस बुक के लिए बस एक ट्रेलर है, और इस बुक के अंदर काफ़ी बढ़िया स्टोरी है। और इसको आप जानती होगी, जेके रोलिंग का वर्ल्ड फेमस नॉवल है ये। तो सो गाइस, जो मैंने 2021 में हैरी पॉटर के बाद जो मेरी सेकेंड बुक है, उस बुक का नाम है द एल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। और इस बुक के अंदर एक लड़का होता है सेंटियागो, और वो अपनी सारी जर्नी बताता है कि उसको एक रात एक सपना आता है कि उसका कोई खजाना कहीं छुपा हुआ है। और फिर इस बुक से हमको मेन चीज़ ये पता चलती है कि जिस चीज़ को हम इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, वो चीज़ हमारे पास ही होती है। और मेरे को एक बुक काफ़ी अच्छी लगी। सो गाइज, जो मैंने 2021 में थर्ड बुक पढ़ी, उस बुक का नाम है द आर्चर बाय पौनो कोहेनो। और ये मेरी पौनो कोहेनो की सेकेंड बुक है, और ये बुक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मैंने अपने चैनल पे इस बुक की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू दोनों डाल रखा है, तो आप वो जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस बुक में हमको मेनली ये बताया है कि अगर हमको कुछ अचीव करना है, तो हम वो मतलब कि कैसे करें। इसके अंदर जो है बो एंड एरो की मदद से ऑथर ने हमको समझाया हुआ है, और ये बुक काफ़ी अच्छी लगी। और मेरे पास ये हार्ड कवर एडिशन है इसका, और ये काफ़ी छोटी सी मज़ेदार बुक है। मैंने इसको 2-3 दिन में ही ख़त्म कर लिया था। सो गाइस, इस लिस्ट में जो मेरी फोर्थ बुक है, उस बुक का नाम है द रूम ऑन द रूफ बाय रस्किन बॉन्ड। और ये मेरी फर्स्ट बुक थी रस्किन बॉन्ड की, और ये बुक काफ़ी मतलब कि थोड़ी सी मोटी है। मेरे पास इसका हार्ड कवर एडिशन है, लेकिन स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस बुक को जो है रस्किन बॉन्ड की सेमी ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है आपने भी सुना होगा, तो उसका जो आंसर है वो मैंने अपनी इस बुक के जो बुक रिव्यू है उस वीडियो में बता रखा है। तो आप वो वीडियो इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, इस लिस्ट की अब जो लास्ट बुक है, उस बुक का नाम है द गर्ल इन रूम 105 बाय चेतन भगत। और ये मेरी चेतन भगत की फर्स्ट बुक है। इस बुक को ये बुक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इस बुक का भी मैंने अपने चैनल पे रिव्यू डाल रखा है, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो चेतन भगत की वैसी काफ़ी बुक्स के ऊपर मूवी बनी हुई है, और मैं चाहता हूँ इसकी भी मूवी जल्दी से जल्दी बने, और मेरे को इसको देखने का बहुत ही ज़्यादा मन है। सो गाइस, अब जो इस लिस्ट की अगली बुक है, उस बुक का नाम है वन नाइट एट द कॉन्सेंटर ऑल्सो बाय चेतन भगत। ये मेरी चेतन भगत की सेकेंड बुक है, लेकिन मैंने इस बुक को जो है 2021 में ख़त्म नहीं किया था। इसको मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही ख़त्म किया, और इस बुक का रिव्यू मेरे चैनल पे अगले हफ्ते आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो मेरे चैनल पे बने रहिए अगर आपको वो वीडियो देखनी है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस बुक के अंदर जो है जो 6 लोग होते हैं, और वो भगवान से बात करते हैं।